मगज कहानिका पत्रिका के बैनर तले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शायर नवेद रजा दुर्गवी का उनके जन्मदिन के खास मौके पर सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से कवि शायर बड़ी संख्या में शामिल हुए। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का शांतिपूर्ण सफल आयोजन राष्ट्रीय मकस कहानिका हिंदी पत्रिका महिला कल्याण समिति ढोरी बोकारो झारखंड एवं मकस कहानिका छत्तीसगढ़ अध्याय के द्वारा और आदरणीय कैलाश बरमेचा कमला मोटर्स के सहयोग से किया गया। छत्तीसगढ़ की सरजमी पे बातारीख 22 मई रविवार 2024 को कमला मोटर्स के ऑफिस दुर्ग में शहर के शायर कवि संपादक मकस कहानी का छत्तीसगढ़ अध्याय के आली जनाब नवेद रजा दुर्गवी के जन्मदिन के खास मौके पर राष्ट्रीय सम्मान व अखिल भारतीय कवि सम्मेलन साथ ही मुशायरे का आयोजन किया गया। इसमें भारत के कई राज्यों से सरस्वती पुत्र पुत्रियां, कवि शायर, कई अदब नवाज हस्तियां एवं शहर के नामी गिरामी उद्योगपति गजल कविता रचनाओं को समझने वाले शहर और ग्रामीण क्षेत्र से सुनने के लिए दूर दूर से इस प्रोग्राम में शिरकत किए और आयोजन का भरपूर आनंद लिया। इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन साथ ही मुशायरे के खास मुख्य अतिथि अदद श्याम कुंवर भारती जी, राष्ट्रीय प्रधान संपादक संयोजक कहानिका बोकारो झारखंड, सभा अध्यक्ष आदरणीय कैलाश बरमेचा, संचालक कमला मोटर्स, विशिष्ट अतिथि जुगेश चंद्र दास जी, पटल के काव्य गुरु कोसरंगी रायपुर उत्तम भंडारी जी, समाज सेवक ज्वेलरी व्यापारी दुर्ग एवं हाजी ताहिर निजाम साहब, टॉप वॉच टॉप फैंसी ड्रेस शॉप दुर्ग और राज्य प्रभारी मकस कहानी का छत्तीसगढ़ के नरेंद्र वैष्णव जी, साथ ही मंच संचालन निजामत करता रहे अंतर्राष्ट्रीय अफसाना निगार उर्दू हिंदी अंग्रेजी भाषा के काफ़ी जानकार मोहम्मद डॉक्टर रौनक जमाल रहे। इनके जरिए बखूबी इस काम को उन्होंने अंजाम दिया और आखिर तक सभी को अपने शब्दों से बांध कर रखा। शुरू से ही मकस कहानी का छत्तीसगढ़ के उप संपादक दिलीप टिकरिया जी इसके साथ साथ इस पटल के काफ़ी कवियों और शायरों की संख्या रही। इस कार्यक्रम की शुरुआत नाते पाक शायर आलोक नारंग जी के कलाम पढ़ प्रोग्राम का आगाज किया गया। स्वागत भाषण नरेंद्र वैष्णव जी ने दिया और सरस्वती वंदना आशा झा जी ने किया। छत्तीसगढ़ मातारी गीत अदद दिलीप कुमार टिकरिया जी ने गाया। इसके पश्चात शायर नवेद रजा दुर्गवी जी के जिंदगी पे और सुखन साजी के सफर तय कैसे कर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं इसे बताया। इसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मोहतरम रौनक जमाल साहब ने पढ़कर सभी को पेश किया और राष्ट्रीय संपादक श्याम कुंवर भारती ने नई नई पहल के बारे में और पटल पर नए उभरते हुए काव्य साधकों को किस तरह से मौका देना चाहिए और परीक्षण देकर उन्हें बड़े मंचों पर स्थापित किया जाना चाहिए इसे बताया, जो उनकी मेहनतों को एक ऊंचाइयां मिल सके। इस पटल का ये उद्देश्य भी है कि मकस कहानिका का पटल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी चल पड़ा है। इनकी चाह है कि हमारे पटल के उत्कृष्ट कवियों कवित्रियों को हम एक सुनहरा मौका दें और उनके भाग्य का सितारा चमकाए। इस प्रोग्राम के आयोजनकर्ता, सहयोगकर्ता, निजामतकर्ता, रचयिता, आयोजक आदरणीय कैलाश बरमेचा जी रहे। मोहतरम रौनक जमाल साहब का जनाबे आली नवेद रजा दुर्गवी जी और छत्तीसगढ़ राज्य से आए हुए काव्य साधकों एवं जितने भी मेहमान आए सभी ने तहदिल से कार्यक्रम की सराहना की और निरंतर इस प्रोग्राम को करते रहने की बातें कही। बहुत नसीब आने वाले आज का दिन और ये बदल के और हमें खुआए भावना बताएगा आपके शब्द हैं बहुत अच्छा लगेगा। नवेद रजा दुर्गवी छत्तीसगढ़ के कामयाब उभरते हुए नौजवान शायर हैं। नवेद रजा दुर्गवी ने कम उम्र में ही बहुत कम अरसे में
राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल कर लिया है। यह कामयाबी बहुत कम साहित्यकारों को और कवियों को नसीब होती है। यह कामयाबी सिर्फ नवेद राजा की कामयाबी नहीं बल्कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले छत्तीसगढ़ के हर साहित्यकारों एवं कवियों की कामयाबी है। हम नवेद राजा को बकारे छत्तीसगढ़ का एजाज देकर अपने आप को मैं कैलाश परमेचा कमला मोटर परमेचा टेक्सटाइल को व्यापारी ध्रुव छत्तीसगढ़ गौरवित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। जो हमारे समक्ष है मन गदगद हो जाता है जब हम किसी अन्य जगह पर अपरिचित जगह पर पहुंच करके सबसे परिचय प्राप्त करते हैं और ऐसे परिचय प्राप्त कराने वाले आदरणीय श्री नवेद राजा जी को बारंबार शुभकामना बधाई प्रदत्त यह सम्मान इतना भला हुआ है कि जो साहित्य 100 साल में रकम किया जाता था लिखा जाता था वो 1 वर्ष में लिखा। आदरणीय नरेंद्र वैष्णव जी ने शायर नवेद राजा दुर्गवी जी के आन बान शान पे कविताओं को पढ़ा, अपनी मूल रचनाओं को भी पढ़ा और काफ़ी तारीफ ली। आदरणीय जुगेश चंद्र दास जी ने पत्नी प्रेम और नाराजगी पर मन को भाने वाली कविता को पढ़ा और बारी बारी से सभी ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। आने वाले कवि शायर कई राज्यों से आए, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में से रायपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, शक्ति, बिलाईगढ़, कोसरंगी, चांपा, डूंगरगढ़, राजनांदगांव, डूंगरगांव, दुर्ग, भिलाई के स्थानीय कविगण और शायर यहाँ पर शामिल रहे। इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आभार प्रदर्शन आदरणीय कैलाश बरमेचा ने किया और आने वाले समय में इसके स्तर को और बड़ा करने की बातें कही। साथ ही सहयोग करने वाले अपने स्टाफ की तारीफ उन्होंने दिल से की। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, एक दुर्ग के उभरते हुए नौजवान शायर है नवेद रजा, इनका 50वां जन्मदिन था, उसको हमारे जो ये कमला मोटर्स के प्रोपराइटर हैं कैलाश भरमेशा जी ने, इन्होंने खुद पूरा लीड लेकर के होस्ट बनकर के कि ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहिए, उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। मैं उनको भी तहे दिल से बधाई देता हूँ, नवेद रजा जी को भी बधाई देता हूँ। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि ये कवि सम्मेलन और मुशायरों का जो एक सुनहरा दौर था वो ख़त्म हो गया। उसकी वजह यह है कि आज जो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और अंग्रेज़ी मीडियम और अंग्रेज़ी तालीम को जो इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, तो साहित्य की तरफ से सभी की नज़रें हट गई है, क्योंकि बच्चों पर बाल साहित्य जो पहले बच्चे लोगों को पढ़ने के हमारे ज़माने में दिया जाता था, आज बच्चों को उन किताबों को, उन मासिक पत्रिकाओं को, बाल साहित्य की जो पत्रिकाएँ हैं उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता है, क्योंकि बच्चे के पास में ट्यूशन, होमवर्क वगैरह के अलावा टाइम ही नहीं बचता है। तो सबसे बड़ी वजह है कि जब बाल साहित्य पढ़ा जाता था तो हमारे को कवि, कहानीकार, पत्रकार मिलते थे। आज बड़ा अफसोस की बात है कि पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई, अच्छा डिवीज़न, अच्छे मार्क्स, बाहर जाना है, ये बात दिमाग में रख कर के पढ़ाई की जाती है, जिससे साहित्य का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये कविता और शायरी एक ऐसी चीज़ है कि ये चाहे इसको कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, ये कभी दब नहीं सकती, बल्कि इसको जितना दबाया जाता है ये उभरती है। क्योंकि कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा, सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ और ऐसे कार्यक्रम संस्कृति को बचाने के लिए, अपने साहित्य की संस्कृति को बचाने के लिए आवश्यक है और जन सहयोग, सहसहयोग सभी को करते रहना चाहिए और कार्यक्रम में भागीदारी होकर गरिमा बढ़ाती रहना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। सबके अंदर लेखक, कवि, हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है, उसको थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत होती है और समय निकाल के ये कार्य भी करना चाहिए, इससे तनाव काफ़ी कम होता है। और मैं इसलिए सभी से अनुरोध करूँगा कि लेखक, लेखनी अपनी कविता, गजलें बचा के रखना चाहिए और उसको संवारते रहना चाहिए। उसी के तर्ज पे मैंने ये कार्य कर रहा हूँ। मैं आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज के तौर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके एक छोटा सा छत्तीसगढ़ का शहर होकर आज इतनी बड़ी राष्ट्रीय संस्था मकस कहानी अधिकार पंकज अध्याय ने मुझे इतना बड़ा सम्मान मान दिया है, आज राष्ट्रीय रत्न का सम्मान दिया, और मैं आदरणीय कैलाश बरमेचा जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के तरफ से मुझे वकारे छत्तीसगढ़ का जो सम्मान दिया है वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। और एक मैसेज मेरा ये है कि अगर मेहनत करते रहे
और उस तरह की लगन से लिखना पढ़ना करते रहे और अच्छा लेखन करे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि छत्तीसगढ़ के अंदर से बहुत ऊँचे और अच्छे अच्छे साहित्यकार उभर के आएंगे, मगर वो हिम्मत नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी कलम को सिर्फ दबा के रखते हैं, किसी के सामने नहीं आते। मगर मैंने कम लिखा, अच्छा लिखा और अच्छे साथियों को साथ में रहा, उठा बैठा और उन्होंने मुझे उत्साहवर्धन किया और आज मेरी एक कहानी भी आ गई, एक कहानी भी लिख रहा हूँ, गीत भी लिख रहा हूँ फिल्मों के लिए, मेरी फिल्मों के लिए कहानी सेलेक्ट भी हो चुकी है इश्क के खातिर, चंद कुछ दिन बाद उस पर पिक्चराइजेशन भी होगा। आज जो आज कविता और जो गज़लें जो छपी है मेरी रजा की कलम से, नवेद रजा का संकलन जो हुआ है मेरा, आज पूरा संकलन भी आज ना आज कैलाश भरमेचा जी के सहयोग से, उनकी पूरी मदद से आज मेरा संकलन आया है। इसके लिए मैं कैलाश भरमेचा की टीम को और राष्ट्रीय संस्था को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भाई जो आज इस मुकाम पर पहुँचे, इनके पीछे इनका बहुत बड़ा मेहनत है और इन्होंने आज से नहीं सालों से लगन के साथ और अपने आत्मसात के साथ इस साहित्य को और शेर शायरी की दुनिया में आए हैं और ऐसे कम समय में बहुत कम लोग इतने ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और उसके पीछे लगन है, निष्ठा चाहिए और उसके लिए एक सतत प्रयास होना चाहिए। मुझे नवेद भाई में देखा और नवेद भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं भी मुक्तकंठ साहित्य समिति का अध्यक्ष हूं और हम भी नए नए प्रतिभाओं को आगे लाने के प्रयास करते हैं। हम लोग मासिक पत्रिका भी निकालते हैं नवेद भाई के पेपर, हम लोग हर बार हम लोग कविता भी प्रकाशित करते रहते हैं और इस तरह से नवेद भाई की और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, इस तरह से दिन प्रतिदिन और तरक्की करें और हमारे दुर्ग का और छत्रिका का नाम रोशन करें। एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।